तो असाइनमेंट इज स्टिल डिस्ट्रीब्यूटिंग टू स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई लेटर। तो ये अब जारी बात है 174 स्टूडेंट्स को या 200 या 250 जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सब को असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो एक प्रॉपर एक तरीकाकार है जो एप्लीकेशन का, वही फॉलो होगा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं इसी शीट के ऊपर दोबारा आऊँगा, यानी जनरल को क्लिक करके चैनल को और असाइनमेंट में आऊँगा, तो यहाँ पूरी जो स्टूडेंट की लिस्ट है वो लोड हो जाएगी। उनका नाम, स्टेटस, मैं फीडबैक ऐड कर सकूँगा, मैं उनके नंबर वगैरह, ग्रेड वो ऐड कर सकूँगा और असाइनमेंट उनको रिटर्न कर सकता हूँ। तो बाकी एडिट अगर आप करना चाहें असाइनमेंट, तो आप यहाँ से उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें असाइनमेंट, डिलीट कर सकते हैं उसको, चेंज करके उसको अपडेट कर दें, या अगर कुछ नहीं करना तो वापस आप उसको, या उसकी डेट अगर आपने एक्सटेंड करनी है तो डेट उसकी बढ़ा दें आप, और इसके अलावा उसको मतलब यहाँ अभी हम फिल वगैरह उसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। डिस्कार्ड चेंजेस, कोई चेंज मैं नहीं करना चाहता। स्टूडेंट को ये असाइनमेंट कैसे नजर आएगी, अगर स्टूडेंट व्यू इसका क्या है, वो स्टूडेंट व्यू इसका ये है, उसको नजर आएगा कि ये 15 नंबर की असाइनमेंट है, 15 पॉइंट है, ये असाइनमेंट है, ये उसकी डिटेल है, ये उसकी ड्यू डेट है, ठीक है जी, ये स्टूडेंट वर्क। तो कुछ रिसोर्सेज अगर आप साथ अटैच करना चाहें तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं असाइनमेंट के साथ। एडिट असाइनमेंट में दोबारा जाएं और यहाँ आप कुछ इमेजेस वगैरह या कुछ फाइल वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को कोई कैटेगरी असाइन करनी है वो असाइन कर सकते हैं। तो कोई PDF की फाइल आपने यहाँ को पार, ताकि स्टूडेंट उससे हेल्प ले सके इस असाइनमेंट के दौरान, तो आप यहाँ उसको अटैच कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा उसका जो है वो असाइनमेंट के ऊपर जाता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ और देखते हैं कि ये लोड अभी हो रहे हैं कि नहीं। उस टाइम के लिए मैं वीडियो को भी थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ।